स्वागत है भाई लोग आप सभी का फिर से मेरे चैनल की एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं कुछ ऐसे यूनिक सिंबल देने वाला हूँ, जिन सारे सिंबल्स को आप लोग अपने फ्री फायर के नेम पे स्पेस पे जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे कि एक नेम है एंड इसके बीच में मैं स्पेस लगाऊंगा एंड स्पेस लगाने के बाद ठीक ठाक ये अभी इस नेम को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेस को हटा के एक अलग सा यूनिक सिंबल लगाऊंगा तो ये वाला नेम और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। सो कुछ इस तरीके के और भी बहुत सारे सिंबल्स इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, जिन सारे सिंबल्स को आप लोग ऐसे स्पेस के जगह पे यूज कर सकते हो। और ये तो एक नॉर्मल सिंबल है, और भी ऐसे यूनिक आप लोगों को सिंबल दिख जाएंगे वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और साथ में आप लोगों को नेम के साथ कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को लगाने में आसानी हो। और सिंबल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक बार जोर से चैनल चेक कर लेना, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, बाकी अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को मैं ऐसे यूनिक यूनिक चीजें हमेशा देता रहता हूँ, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सोचिए बढ़ते अभी वीडियो की ओर। तो बात करें नंबर वन सिंबल की ओर, तो उससे पहले आप लोग ये वाला नेम देख सकते हो, उसके बीच में स्पेस था एंड जब इसमें स्पेस हटा के ये वाला सिंबल डालता हूँ और अभी बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, पहले एक नॉर्मल स्पेस था जो कि उतना कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन ये वाला सिंबल यूज करने के बाद देख सकते हो नेम और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। एंड बाकी आप लोग भी कुछ इस तरह से ट्राई कर सकते हो इस सिंबल को एंड नेम कॉम्बिनेशन देख सकते हो, कुछ इस तरह से भी आप लोग भी ट्राई करना। एंड बाकी बढ़ते हैं अभी नंबर टू सिंबल की ओर। नंबर टू पे जो आप लोगों को मैं सिंबल देने वाला हूँ, उससे भी पहले ये वाला भी नेम देख ही सकते हो एंड इसके भी बीच में स्पेस है। सो जब भी मैं स्पेस हटा के ये वाला सिंबल यूज करता हूँ, सो ये वाला नेम भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, जो कि स्पेस भी सही है लेकिन नेम को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप लोग इन सारे सिंबल्स को यूज कर सकते हो। बात करें नंबर थ्री सिंबल की ओर, तो नंबर थ्री सिंबल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाई दिया था जो कि ये वाला, एंड बाकी देख ही सकते हो ये वाला नेम है एंड इसके बीच में स्पेस, जो कि नेम उतना कुछ खास नहीं लग रहा है देखने में। एंड जब भी मैं स्पेस हटा के ये वाला सिंबल यूज करूंगा नेम के अंदर, जो कि नेम और भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोगों को स्क्रीन पे ये। सो आप लोग भी कुछ इस तरह से इस सिंबल को भी यूज कर सकते हो। और आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो सिंबल है ये थोड़े से बड़े नाम के साथ अच्छा लगता है, तो सिंबल्स आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि कुछ इस तरीके से स्टाइलिश फॉन्ट के साथ नेम लिखना फ्री फायर के अंदर, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, तो आप लोग ये वाला वीडियो देखते जाओ, वीडियो के एंड स्क्रीन में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो बढ़ते अभी नंबर फोर सिंबल की ओर, तो नंबर फोर पे जो आप लोगों को मैं सिंबल देने वाला हूँ, उससे पहले ये वाला नेम भी देख ही सकते हो, जो कि प्ले हार्ड नेम है एंड इसके भी बीच में स्पेस है, जो कि इसको मैं स्पेस के जगह पे ये वाला सिंबल यूज करूंगा। सो ये वाला सिंबल सो देख ही सकते हो, एंड पहले स्पेस था एंड स्पेस में उतना कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन ये वाला सिंबल यूज करने के बाद जो कि सही लग रहा है, और आप लोग भी सेम इसी तरीके से यूज कर सकते हो। और इस नेम के साथ मैंने और भी दो सिंबल्स को ट्राई किया था जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे ही है, सो देख सकते हो ये वाला सिंबल एंड उसके बाद एक स्टार वाला सिंबल, जो कि दोनों सिंबल का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वीडियो को देखते रहो, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को इन सारे सिंबल्स को कॉपी करके यूज करना है। तो बात करें नंबर फाइव सिंबल की ओर, तो नंबर फाइव पे जो आप लोगों को मैं सिंबल देने वाला हूँ, ये भी काफी ज्यादा सही है। अगर आप लोग नेम के आगे छोटे से टेक्स्ट के साथ नेम लिखते हो तो ये वाला सिंबल आप लोगों के लिए ही है, जो कि देख सकते तो आप लोगों के स्क्रीन पे ये कॉम्बिनेशन, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने H और C को लिखा है छोटे फॉन्ट स्टाइल के साथ एंड उसके बाद मैंने ये वाला सिंबल्स को यूज किया है एंड उसके बाद मैंने परवेज को लिखा है, जो कि देख सकते हो नेम कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा सही है और ये वाला सिंबल लगाने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्पेस यूज करता तो शायद इसके जैसा देखने में अच्छा नहीं लगता नेम। एंड बाकी ये वाला सिंबल के साथ आप लोग और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, एंड यहाँ पे जो मैं सिर्फ आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। तो बढ़ते अभी लास्ट सिंबल की ओर, तो लास्ट पे जो आप लोगों को मैं सिंबल देने वाला हूँ, ये एक फ्लावर सिंबल है, जिस सिंबल को आप लोग नेम के साइड पे भी यूज कर सकते हो और बीच में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला नेम के साथ देख ही सकते हो यहाँ पे TDW है एंड इसके बीच में मैंने स्पेस की जगह पे ये वाला फ्लावर सिंबल यूज किया है और सही लग रहा है, जो कि आप लोग भी कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, किसी भी सिंबल्स को कॉपी करके आप लोग अपने नेम के पीछे यूज कर सकते हो। बाकी सभी सिंबल्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो सिंबल्स आप लोगों को पसंद आए वो वाला सिंबल आप लोग यूज करना एंड कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना, जो कि सही है। बस भाई लोग आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सबको बाय बाय।